हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो है कि मैं पिरामिड में उतरता हूँ, यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक देता हूँ कि आप अंदर कैसे घुस सकते हैं बिना उड़े हुए, और कैसे सारे पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ मेरा गेम प्ले भी है, कॉमन सेंस भी मैंने यूज़ किया, वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो मैंने मार्क कर दिया पिरामिड के अंदर, चलिए जंप करते हैं। यहाँ पे मैं जंप कर चुका हूँ, मुझको सबसे पहले स्कारल मिला है। तो स्कारल मिलते ही मैंने एक फुट स्टेप सुन लिया कि यहाँ पे बंदा एक कूदा है, तो ये टॉप में कूदा था, ये अंदर कूदने की शायद कोशिश कर रहा था कि अंदर चला जाए, बट मैं उसका वेट कर रहा था। ठीक है, अचानक से हमको ध्यान आया कि मेरे पास नेट भी है, शायद मैं उसको कुक करके मार सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं वेट करता रहा फुट स्टेप ने, मैं सोचा कि वो जब जंप करेगा इधर ही, फिर मैं नेट ट्राई किया उसका, शायद वो हीटेड होता है शायद, ऐसा लगा हमको। फिर वो क्या होता है ना कि वो नीचे कूद जाता है, यहाँ पे नेट से कुछ डैमेज ले करके वो नीचे कूद जाता है। मुझको कूदने की अब आवाज़ आ गई थी, तो मैं इसका पीछा कर रहा था, ठीक है, और देखा तो ये राइट साइड को भागा, राइट साइड को भागा, तो मैं फिर राइट साइड से गया था। ठीक है, देखा तो ये गन कुछ कर रहा था ये, तो फिर इसको मारा मैंने, फिर यहाँ पे लूटा पूरा। तो यहाँ पे बेसिकली कोई इनेमी नहीं आई थी। ठीक है, यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड मैं कर देता हूँ वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे अब अभी भी टाइमिंग है 1:31 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बग करके मैं अंदर आ गया था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, एक्टिवेट करके यहाँ पे मैंने सोचा कि उड़ने से पहले मार दूँ, बट टाइमिंग उतना नहीं रहता, अकेले मारना मुश्किल होता है थोड़ा, बट मैं फिर भी इसको मार दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर दिया कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने आप लोगों के लिए। यहाँ पे स्नैक्स आ गए थे, तो ये डसते हैं, ठीक है, इनके पास में मत जाना कभी, ये तो शायद आप जानते ही होंगे। तो और जब भी आपका हेल्थ कम हो या कुछ भी हो, तो ये येलो कलर का रे बनता है, ये देखो, ये जो येलो कलर का पीछे में था, तो इस पर चले जाने का, ठीक है, आपका हेल्थ फुल हो जाएगी। चाहे आप नॉकआउट भी हो जाते हो, तो येलो वाले में चले जाओ, तो आप अपने आप को रिवाइव कर पाओगे, मतलब सोलो ही रिवाइव हो जाओगे। तो ये एक यहाँ का खासियत अच्छी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको मारता हूँ, क्योंकि जितने स्नेक आते हैं इसको भी मारता हूँ मैं। और देखिए, फिर से मेरी हेल्थ फुल हो गई। इसमें जब जब जाओगे आप, तब तक आपकी हेल्थ फुल होती जाएगी। और अगर एमो की कमी पर है, तो जल्दी से सांप को मार दें, स्नेक्स को मारें, तो वो एमो ड्रॉप, जिस गन से मारोगे उसी की एमो वो ड्रॉप करती है मोस्ट ऑफ टाइम। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और मैं न्यू कमेंटेटरी कर रहा हूँ, तो शायद इसमें कुछ मिस्टेक्स आए, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना और सपोर्ट बनाए रखना गाइस। फाइनली यहाँ पे मरने ही वाला ही है, यार इनसे दूरी बना के रखो। तो ये यहाँ पे सकोविया का उड़ान भर चुका है और ये मर भी चुका है। ठीक है, उसका बक्सा मेरा आ गया है, खजाना, अभी इसमें ऑम एंड ग्रोजा निकला है, तो मैं तो ग्रोजा प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर आप सोलो खेल रहे हो तो ग्रोजा बेस्ट है ब्रो। अगर ग्रोजा है तो कोई भी टीम को तो मार सकते हो, क्योंकि ग्रोजा का 3 से 4 बुलेट्स काफ़ी होती है किसी इनिमी को मारने के लिए। 3 से 4 नहीं तो 5 से 6 तो काफ़ी होती है, M4 या और भी गन के जैसा नहीं लेता। अब मैं यहाँ पे पजल सॉल्व कर देता हूँ। तो पजल सॉल्व करने के लिए देखिए गाइस, आपको 3 बूंदा साथ में लाना है, ठीक है, और मिडल वाले को क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये वाला पजल सॉल्व हो जाएगा किसी भी एंगल से। आप तो वो गेम खेले होंगे ना जो 3 बूंदा रहता है, 3 को मिलाना रहता है, तो वो वाला। और ये वाला पजल है कि आप नीचे वाला जो फिगर देख रहे हैं, वहाँ हाथी, घोड़ा, ऊँट, ये बत्तख वत्तख जो भी है, बिल्ली, तो इसको आपको याद रखना है कि किस खंधे में कौन सा वाला है। तो आपको लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये हाथी नहीं, ये बिल्ली है, ठीक है, तो हमको हाथी ढूंढना है, तो ये हाथी मिल गया, फिर ये बिल्ली हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ स्नैक्स, और ये हुआ मेरा ये क्या है,
कोई पक्षी है, नाम याद नहीं आ रहा है। उसके बाद ये बॉक्स खुल जाएगी, तो ये पजल सॉल्व हो गया। उसके बाद मैं तीसरी पजल्स की ओर बढ़ता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ गेस करने के लिए बोलेगा कि यहाँ पे एट द लिस्ट प्लेयर, तो यहाँ पे आप अपने रैंडमली कोई भी चूज़ कर दें। तो आपको चिंकी ही ज़्यादातर करें कि मोस्ट ऑफ प्लेयर ज़्यादा वहीं रहते हैं और वहीं पे ज़्यादा बंदे मरते भी हैं, तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो वाला पजल सॉल्व करने के लिए। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ का स्नेक का मुंडी जिस साइड घुमा हुआ है, जिस रे में, तो उसी साइड में इसको घुमाना है। देखिए, ये स्नेक का ऊपर और वो स्नेक का राइट ऊपर घुमा हुआ, इसका लेफ्ट ऊपर, तो वैसे ही करना है। अब बिल्ली का पैर जो है सो नीचे की ओर, इसको हम लोग को नीचे की ओर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो गाइस, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप सोलो भी इसको लूट सकते हो और उसको ही मार सकते हो, चुड़ैल को, पता नहीं उसका नाम क्या है, याद नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा झांक करके नीचे देखता हूँ कोई है तो नहीं आजू बाजू। तो यहाँ पे सडनली मैं अभी एक कार देखता हूँ, ठीक है। देखिए अभी नीचे एक कार जा रही थी ड्रॉप की ओर, ठीक है। तो वो कार ना, उस पर मैं फायर देता हूँ, तो थोड़ा बहुत तो वो लोग पैनिक होते हैं कि फायर कहाँ से आ रहा है, फिर ये लोग ड्रॉप की तरफ भाग जाते हैं। मैं ऐसे ही मैं तो जान रहा था कि वहाँ तक बुलेट्स पहुँच रही या नहीं पहुँच रही, वो मरने वाले हैं नहीं, बट ऐसे ही डराने के लिए फायर कर दिया था उन लोग को। उसके बाद मुझको लगा ही था कि ये ड्रॉप के पास जा रहे हैं, और ये ड्रॉप के पास गए भी थे। ड्रॉप गिरा था लेफ्ट साइड में, मैं आप दिखाना भूल गया। उसके बाद मुझको गाड़ी दिखी है, तो मैं सोचता हूँ कि शायद इनका पीछा करूँ तो मार पाऊँ, क्योंकि हमको किल चाहिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जंप कर गया, कार नीचे खड़ी थी, इधर से गेट इन का ऑप्शन नहीं दे रहा था, तो मैं दूसरी साइड से गया, गेट इन का ऑप्शन फिर दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाने लगा। उसके बाद मैं जब पहुँचा ड्रॉप के शायद बाजू में ही पहुँचा था, थोड़ा दूरी में देखा फायरिंग का आवाज़ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्नाइपर से एक को डाउन किया। अभी देखिए पहला हो गया, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि उसको फिनिश कर दूँ, तो हमको फिर से वहीं से शॉट्स आने लगे। तो फिर से मैं थोड़ा देखने की कोशिश कहाँ से मारता, फिर ये लेटा हुआ था इसको ही मारा, फिर वो रिवाइव देने जा रहा था कार के पास, इसको शॉट। उसके बाद मैं सोचा कि लास्ट वन बचा है, चलो रस कर देते हैं। फटाफट मैं गाड़ी में बैठा, तो वो दिख गया था, अभी वीडियो में नहीं दिख रहा, बट मेरे को ग्राफिक्स वहाँ ठीक रहती है, तो वहाँ दिख गया था हमको कि रिवाइव देने जा रहा है, स्मोक कर लिया था वो। तो मैं सोचा कि ऐसे अंधाधुंध जाना ठीक नहीं रहेगा, पहले नेट ट्राई करते हैं। नेट ट्राई करा मैंने। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इतना नूब बंदा था वो, क्या बोलें, टीममेट के नाम पे धोखाबाज, ये अपने टीम को छोड़ के निकल लिया अपने टीम को छोड़ के वो निकल लिया। और भाई आप इसको लास्ट में देखना, ये कहाँ मिलता है, मतलब ओपी भाई ओपी। फिर मैं इन लोग को मारता नहीं हूँ, मैं माइक को ऑल पे कर देता हूँ, शायद ये लोग कुछ बोलें, उसको बुलाएं, तो बट ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं। तो मैं हील उल कर रहा था इसके सामने ही, तो जैसे हील करते मुझे बग्गी का साउंड आ गया, बग्गी का साउंड आया। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा फायर दिया, बट लगा नहीं, ये निकल लिया बग्गी, निकल लिया। उसके बाद फिर मैं इसको मारता हूँ, अब मैं इसको मार दूँगा, क्योंकि शायद उसका बंदा आने से रहा और ये लोग भागने से रहे, तो इनको मैं मार देता हूँ। उसके बाद इनकी सारी एमोज वगैरह टेक ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं देखा कि जो कार वाला भागा था वो इधर आ चुका था, जॉर्जो पुल के रिच साइड। तो फिर मैं देखा कि उसका फ्यूल ख़त्म हो गया था, तो ये इधर जंप मतलब बग्गी उठा करके भाग रहा था, ठीक है। अब बग्गी उठा करके भाग रहा था, तो मैं वहाँ पे देखा कि एक और बंदा उधर से आ रहा था, ठीक है। तो वो मुझे फायर क्यों नहीं किया पता नहीं, वो शायद अपना एक अलग सिचुएशन बना रहा था कि शायद ये लोग रुके तब मैं पीछे से लटवार करूं। तो मैं यहाँ पे सीट चेंज करके मारने की कोशिश की, बट ये निकल गया। क्या मैं तो इसको देख चुका था पहले, तो मैं सोचा कि इसको पहले फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है। ये कवर में जा रहा था कि वहाँ से मार पाऊँगा। फिर मैं कार ले करके ऊपर घुमा करके गया, ताकि हमको लगा कि वो बंदा रुक करके वेट कर रहा। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे बग्गी रोक करके वो स्क्वाड हाउस में चढ़ गया था, बट अनदर स्क्वाड यहाँ पे रस कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैं ग्रोजा से दो को तो नॉकआउट कर देता हूँ, लेकिन ग्रोजा का रीलोड स्नाइपर्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो सिचुएशन हैंडल कर पाएँ एक गन से, ठीक है। अगर चारों बंदे पुश कर, अगर दूसरी गन रहती तो यहाँ पे शायद मैं कर पाता,
तो गाइज कैसी लगी वीडियो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट सारे कर देना।